स्क्रूटनी में आपको एक नोटिस दिया गया था जिसका टाइम बढ़ता है 11 बजे, क्या जो सच मांगे क्या है? देखिए, पहले तो जो हमें नोटिस दिया गया वही गलत है, उसके हम उसके अनुरूप आते ही नहीं हैं। हमने पहले ही क्लियरेंस इनको दे रखा है, एफिडेविट पे दे रखा है, वही गलत दिया गया है, एक साजिश रची जा रही है। नंबर दो, फिर भी हमने, आप मुझे बताइए, 6:15 पे एक गरीब किसान के बेचे को ये नोटिस देते हैं कि आप दिल्ली से लिखवा के लिए, मैं कोई अडानी अंबानी तो हूँ नहीं जो चार्टर प्लेन लेके दिल्ली चला जाऊँगा, फिर भी हमने कोई व्यवस्थाएँ की और हमारे एडवोकेट चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने साहब को बताया है और उनकी बात भी कराई है, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी कहा कि इनके एडवोकेट बैठे हुए हैं और उस पर चर्चा चल रही है। दूसरा, आपको बता दूं, क्या आप मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग में दिल्ली समित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं? आप बीजेपी सवाल पूछ रहे, इससे साफ तौर पे कि वो जो लेटर टाइप हो रहा है, जो मुझे NOC दी जा रही है, उसको डिले कराया जा रहा है ताकि यहाँ का समय हो जाए और मेरा ये खारिज करवा दिया जाए। सीधे सीधे तौर पर यही साजिश रची जा रही है। क्यों, आप ही के साथ क्यों? और भी बहुत से कैंडिडेट हैं। और मोदी जी को सीधा सीधा मोदी जी हार रहे हैं यहाँ से, और कोई कैंडिडेट कौन बताइए? मोदी जी को लग रहा है कि मैं यहाँ से हार रहा हूँ और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक मैं सेना का जवान, अगर दी वो कहते हैं ना, मैं जवान का सम्मान करता हूँ और देश के किसान का सम्मान करता हूँ, तो आज वो जवाब दे इसके ऊपर, क्यों उनके क्या कर रहे हैं आप बताइए? वो उनसे जवाब पूछिए आप कि संबित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान चुनाव आयोग दिल्ली में क्या काम है उनका, क्यों बैठे हुए? हमारे एडवोकेट को वहाँ धमकाया जा रहा है, हमारे जितने समर्थक वहाँ चुनाव आयोग के बाहर बैठे हुए, आप वहाँ से आपके जितने भी कैमरेमैन हैं उनसे पूछिए कि चुनाव आयोग के बाहर क्या हो रहा है। आखिर में क्या कारण है कि? देखिए, उन धाराओं के अधीन में आता ही नहीं हूँ, उसके मैंने बाकायदा एफिडेविट और डॉक्यूमेंट दे चुका। अगर इस तरह का मामला था जब मैंने नामांकन किया उस टाइम क्यों नहीं मांगा गया? और पहले नोटिस से 90 साल बाद जवाब देना है पहले नोटिस का। और आप उस नोटिस को पढ़िए, हड़बड़ी में क्या हुआ है, उसमें लिखा है कि 90 साल के बाद में आपको ये जवाब देना है। तो 90 साल का हम ठीक है, 90 साल बाद दे देंगे इनको, 90 साल के बाद में जवाब मांग रखे, नोटिस हम आपको दिखाएंगे। ये सीधे तौर पर है हमारे साथ जो है दबाव बनाया जा रहा है और ये सब झूठा इस तरह का चीज़ बना के हमारा नामांकन निरस्त कर। मोदी जी यहाँ से डर गए हैं और वो सिर्फ पीठ पे चुरा घोपना जानते हैं। तो अगर ये ताकत है तो वो सामने आके लड़े एक जवान से, उनको पता लगे कि एक जवान तुम्हारे सामने खड़ा, हिम्मत है तो सामने आके लड़े, इस तरह का कार्रवाई ना करें। आयोग ने BSF से मांगा है और हमारे एडवोकेट साहब ने बताया है कि BSF ने जो है हमारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं कि नहीं, तेज बहादुर जो है वो बर्खास्त है सिर्फ अनडिसिप्लिन केसेज में। अभी चुनाव आयोग उसका जवाब यहाँ रिटर्न अधिकारी को देगा, लेकिन वहाँ पर उनको डिले किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है संबित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। 11 बजे का टाइम है, हमने तो दे दिया इनको, अब इनका काम है। ये मांगेंगे, रिटर्निंग अधिकारी तो चुनाव आयोग के ही हैं, वो मांगेंगे आपकी तरफ से जो हमने दे दिया है इनको, हमने फैक्स जो था किया वो दे दिया, मेल दे दिया हमने, वहाँ के चुनाव अधिकारी जिससे हमारा वकील मिला हुआ है उनके नंबर दे दिए, वो संपर्क में है। तो अभी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है? हमें अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं। जो कार्रवाई आपने की वही पेपर सबमिट किए हैं? हाँ, वही पेपर जो है सबमिट किया, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जैसे ही जवाब मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। अभी ऑफिस खबर भेजे इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इतने ही तमाम अधिकारी सिस्टम से दुखी होकर रिजाइन दे के चले जाते हैं, CBI का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमने यहाँ से बताना है। और आपकी तैयारी कैसी है? जीते थे उससे ज्यादा वोट जा रहे थे आपसे बात हुई थी। देखिए, जब इन्होंने नामिनेशन किया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक करोड़ों लोगों ने देखा, इनके सरकारी अकाउंट जो चुनाव आयोग के अकाउंट होते हैं, लोगों ने चंदा भेजना शुरू कर दिया।